नवंबर और दिसंबर में शादियां ऐसे हो रही होती हैं दोस्तों, जैसे दूल्हा और दुल्हन पर 50% डिस्काउंट मिल रहा हो। अब लंका सोने की चाहिए तो रावण तो बनना पड़ेगा ना मेरे भाई। मैं बदल गया हूँ, पहले डर लगता था कि लोग क्या बोलेंगे, अब डर लगता है कि कहीं लोगों को मैं कुछ ना बोल दूं। आपको देखता हूँ ना, मेरा विजन ब्लर हो जाता है। मैं शादीशुदा हूँ, वैसे मत बात करो। तो मैं भी शादीशुदा हूँ। तो तुम भूल जाते हो इस बात को कभी कभी। मैं तो कहता हूँ आप भी भूल जाओ। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। इसका मतलब वो मुझे देखते हैं। ये तो अच्छी बात है, उड़ाने दो। क्या वो मुंह लटकाए क्यों खड़ी है? यार मुझे ना 2000 की जरूरत है। यार तू मुंह ही लटका ले, शक्ल तो है नहीं तेरी 2000 वाली। गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। तू कोण मला सांगणारा, सजेशन देणारा? सॉरी सर, शानपणा करतोय सर। यू सी दिस गाइज आर नाउडेज, यू नो, जरा गप्प बसा। पहले मैं 10 लोगों की आवाज निकाल लेता था, फिर मेरी शादी हुई, अब मेरी खुद की आवाज भी बंद है। वैसे अकेले भी रहना कोई बुरी बात नहीं, जिंदगी का असली शोर उसकी खामोशियों में ही फंसा हुआ मिलता है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम शादीशुदा और तुम्हारे 4 बच्चे? वो मैं बहुत शाय टाइप का हूँ ना। लगता है एक दो बार कोमा में जाना पड़ेगा ये नींद पूरी करने के लिए। वो जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, वो जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, उनको तोहफे में आईना दीजिए। मुंडी कहाँ है? अबे अबे भैया कौन है, इसकी गर्दन कहाँ है? कैश क्या है ये भैया, क्या जा रहा है ये, क्या है ये? अरे उर्फी जी तुम हो, मैं मुंह तो निकलने ही वाला था हमारा, डर के मारे पता भूत भूत लग गया था सरकटा। मैं जैसी ड्रेस बना रही हो तुम भी यार, आजकल शर्म ना रही तुम्हें यार, बच्चों को डराओगे कैसे? बहुत तो अच्छे हो यार, मुंह तो अगर किसी अपने छोटे छोटे भैया को देखा तो टट्टी निकल जाती तुम्हें देख के अभी। मैं जो कहूंगा करोगे? यस बॉस। मार। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, मुझे नहीं,